सारा, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ। उस दिन मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में था, तुम सोच भी नहीं सकती। मामा ठीक कहती हैं, आप दोनों भाइयों की आदत है दूसरों की बेइज्जती करकर माफी मांगना। देखो, इसके और तुम्हारे दरमियान नाराजगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझता हूँ, और तुम जैसी बहन को नाराज करने या बेइज्जत करने का मैं सोच भी नहीं सकता। इसीलिए अपने किए की माफी मांगने खुद आया हूँ। अब मेरे माफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। मामा, आप लोगों के घर सामान भिजवाने वाली। क्या? मगर क्यों? मेरी वजह से? अरे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था उस दिन। ठीक है, तो अब मेरा दिल भी खराब हो गया, और मेरे पास आपको माफ करने के लिए कोई वजह नहीं। अगर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगूं फिर भी नहीं। सुहेल भाई, क्या हो गया आपको? क्या करें, चले ना आप मेरे साथ। एक मिनट, मैं इससे तुम्हारी वजह से, अपनी वजह से माफी मांगूं। अगर अपनी वजह से मना रहे हैं तो फिर मुझे वजह बताएं। एक सेकंड, अगर तुम वजह जानना चाहती हो तो मैं बताता। राइट, मेरी बात सुन। सुहेल भाई ने जो कुछ भी किया ना, वो महापारा की वजह से किया, महापारा की हरकतों की वजह से। महापारा की वजह से मेरे साथ ये सब? क्योंकि उस दिन जब तुम आई थी, तुमने जिस तरह की ड्रेसिंग की थी ना, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे महापारा करती थी। तो सुहेल भाई को उस वक्त ये लगा कि वो तुम नहीं, वो महापारा है, और वो फरी को छीन लेने के लिए आई। परी को छीनने? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? परी को छीनना कोई मजाक तो नहीं है। देखो सारा, जो लड़की हमारे घर का सुकून और हमारी इज्जत छीनने की कोशिश कर सकती है ना, वो क्या नहीं कर सकती। हमने उसे पलकों पर बिठा कर रखा था, लेकिन फिर उसकी करप्शन की न्यूज और रातों रात थाने से उसका गायब हो जाना, हम सब हिल गए। वो आपकी सगी बहन नहीं थी सुहेल भाई, आप उसके लिए इतना परेशान मत हो। वो तो बाकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन तुम्हें मैं दिल से बहन मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और रायद हमेशा खुश रहो। अब अगर तुम चाहो तो मेरे किए की सजा भी मुझे दे सकती हो, मुझे कबूल है। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
डिनर पे चलें।